हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम रूम। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स नेवी दोनों के लिए आपको टॉप 25 यहाँ पे GKGS के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है कि एयरफोर्स का आपका एग्जाम आने वाला 24 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, 24 जुलाई से 31 जुलाई, ठीक है। आप लोगों के बाद बहुत कम समय है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एयरफोर्स के लिए आपको इंग्लिश का प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर कराया इंग्लिश का, तो उसको भी जाके देखिएगा। और इससे पहले मैंने कम से कम 1500 वीडियो आपको एयरफोर्स नेवी के लिए पढ़ा चुके हैं। अगर आपको किसी को भी प्लेलिस्ट चाहिए कमेंट बताना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका यहाँ पे दिया गया है जो देखो, यहाँ पे जितने भी दोस्तों क्वेश्चन हैं सारे आपके प्रीवियस बेस्ट है, तो काफ़ी अच्छी तरह थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? चलिए बताइए क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो मौर्य वंश के थे, ठीक है। अगला दिया गया, फिल्म ओंकारा शेक्सपियर के किस उपन्यास पर आधारित है? 27 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ओथलो, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया 28 नंबर है, 28 नंबर प्रश्न दिया गया, भारतीय क्रिकेट टीम के वैसे खिलाड़ी जिन्हें सेना में 2012 में भर्ती किया गया, कौन से थे ये पूछा गया, तो हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। ये चीज़ आप लोग याद कर लेना, सेना में भर्ती किया गया था महेंद्र सिंह धोनी। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये तो सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश का है। 8वां विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पे, किस शहर में आयोजित किया गया था? 8वां विश्व धर्म, ठीक है। तो 30 नंबर प्रश्न है, तो वो आपको क्योटो में किया गया था। गुरु नानक देव सिखों के कौन से गुरु थे? 31 नंबर प्रश्न है, तो प्रथम थे, गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं। 32 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, सौ ऋषिकेश मुखर्जी को किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, ठीक है, जिनका निधन हो चुका है। 32 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन आपका होगा 1999 में। अगला दिया, जर्मनी की राजधानी कौन सी है, बताइए दोस्तों क्या होगा। चलो जर्मनी की राजधानी आपके बर्लिन हो जाएगी। अगला दिया गया, राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहाँ से उद्धृत है, कहाँ से लिया गया राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है, राष्ट्रगीत बताइए, राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है। तो आपका यही आनंद मठ से लिया गया। पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा है। विश्व कप 2007 का शुभंकर क्या था, बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा। तो 36 नंबर प्रश्न है, 36 नंबर का राइट ऑप्शन आपका, देखो चार ऑप्शन को देखना पड़ेगा, तो तीसरा होगा मेलो, ठीक है। अगला दिया गया, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वैसे योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो PM होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री होते हैं। तो अब ऑप्शन बता दीजिए राइट ऑप्शन क्या होगा। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी, वैसे अध्यक्ष इसके कौन थे प्रथम, पहले बताइए इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। जवाहरलाल नेहरू थे, पहले प्रधानमंत्री थे आपके, पुरुष में प्रधानमंत्री भारत के जो थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन महिला में आपके कौन थे, इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला दिया गया, वर्ष 2001 में किस तिथि को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया गया था, ठीक है, यही है सीधा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब गिराया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 11 सितंबर को। अगला दिया गया, प्रसिद्ध पुस्तक सेक्रेड गेम्स के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो विक्रम सेठ है जो राइट ऑप्शन बन जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, 40 नंबर प्रश्न का यहाँ पे हीरा लाल कानिया राइट ऑप्शन बन जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से अलंकृत किया गया है, मैथिली शरण गुप्त को, चार ऑप्शन को पहले तो आप लोग देख लो, बताइए क्या होगा। 41 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका होगा राष्ट्रकवि, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि, ठीक है, कहा गया राष्ट्रकवि। अगला देखते हैं, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था, 42 का हो जाएगा, 1945 ईस्वी में बना था। तो भाई आप लोग थोड़ा सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे, बहुत बुरा लग रहा है। इसी वीडियो में व्यूज देख लेना काफ़ी कम आते हैं, आप लोग बिल्कुल भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ना व्यूज ना आप लोग देख रहे भाई, तो बहुत बुरा लगता है। आप ही लोग पढ़ा रहे हैं आप ही लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा लाइक जरूर करना चाहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसीलिए वीडियो थोड़ा आगे बढ़ेगा, आप लोग लाइक करेंगे तो प्लीज़ छोटा सा आप लोग लाइक जरूर करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, अगला देखते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, चारों ऑप्शन को देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केरल है जो राइट ऑप्शन बन जाएगा। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका दक्षिण अफ्रीका। मितवैयता दिवस कब होता है, विश्व मितवैयता दिवस कब होता है, बताइए जरा। 45 नंबर यहाँ पर दिया गया है, तो 30 अक्टूबर को होता है, और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को होता है, और मितवैयता 30। अगला दिया, बापू ने, महात्मा गांधी ने किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया था, अच्छा ठीक है। वैसे दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में लौटे थे, ठीक है।
ठीक है चलो। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह कौन से शुरू किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। 46 नंबर दिया गया है तो इसका 1926 में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अगला दिया गया अगला दिया गया सम्राट अकबर के पिता कौन थे, सम्राट अकबर के पिता कौन थे, तो वो आपकी हुमायूं थे। आराम हराम है ये तो सबको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला दिया गया ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार गैस कौन सी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। 49 नंबर दिया गया, इसका राइट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2 हो जाए ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। अब 50 नंबर से पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, जिसको भी एयरफोर्स और नेवी की प्लेलिस्ट चाहिए, नेवी MR का भी मैंने पढ़ाया, आपको किसी को भी प्लेलिस्ट चाहिए तो कमेंट में आप लोग बता देना, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो को भाई छोटा सा आप लोग लाइक जरूर करते जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। इस चैनल पर क्या है कि आपको SSC MTS एयरफोर्स नेवी की भी तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। एयरफोर्स नेवी के लिए मैंने 1500 वीडियो आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, 1500 वीडियो, 1800 वीडियो वैसे मैंने डाले हैं जिसमें 1500 एयरफोर्स नेवी के लिए ही पढ़ाया, तो आप लोग जाके सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। पेपर की में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपकी। और एयरफोर्स में क्या है कि आप लोगों को पेपर की शिफ्ट भी मैंने कराई पिछले साल, ठीक है, तो आप लोग शिफ्ट भी देख लीजिएगा कि पेपर का पैटर्न बनता कैसा है, ठीक, खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। अब बताइए कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 50 नंबर प्रश्न, राइट ऑप्शन हो जाएगा 6। चलो भाई, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एयरफोन अभी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पे 25 क्वेश्चन लिए थे भाई, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करते जाइएगा।